त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 1293 नए ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ है, लेकिन इसमें से 200 से अधिक ग्राम पंचायतों का गठन टालना पड़ेगा। यहाँ के ग्राम प्रधान शपथ नहीं ले पाएंगे, इसका कारण ग्राम पंचायत सदस्य का पर्याप्त संख्या नहीं होना है। किसी ग्राम पंचायत का गठन तभी पूरा माना जाता है जब उस पंचायत में न्यूनतम 2/3 ग्राम पंचायत सदस्य चुनकर आए हों। जिसके संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिले में इस बार ग्राम पंचायत सदस्य की निर्धारित संख्या के सापेक्ष करीब 800 सदस्य कम चुने गए हैं। ऐसे में कई ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाएगा। अब वहां पर उपचुनाव करना पड़ेगा। उपचुनाव के बाद सदस्यों की संख्या 2/3 पूरी हो जाने पर ग्राम पंचायतों का गठन होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में प्रधान पद के चुनाव में चुने जाने के बाद भी लगभग 200 प्रधानों का शपथ अभी नहीं हो पाएगा। इसका कारण यह है कि लगभग 200 ग्राम पंचायतों में जो न्यूनतम 2/3 ग्राम पंचायत सदस्यों के चुने जाने का प्रावधान है वो नहीं हो पाया है। गोला में लगभग ऐसी 47 ग्राम पंचायतें हैं जहाँ की न्यूनतम 2/3 सदस्य ग्राम पंचायत वार्ड के चुन करके नहीं आए हैं, उनके स्थान रिक्त हैं। ऐसे ही खजनी में लगभग 45 ग्राम पंचायतें ऐसी है जहाँ पर कि कई ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त हैं और 2/3 से अधिक सदस्य चुन के नहीं आए। ऐसे ही पिपरौली में लगभग 11 ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां पर कि 2/3 सदस्य चुन करके नहीं आए हैं और भरिया में भी ऐसे 5 ग्राम पंचायतें हैं जहां की 2/3 सदस्य चुन करके नहीं आए हैं। कुछ प्रमुख गांव, कुछ गांव ऐसे हैं जैसे ऊंचा गांव, बुरई, अहिरौली, बालानगर, दडिया, ये सभी गोला में है। इसके अलावा पिपरौली में अमटौरा, तिनवन, बरवन, माफी, विदरपुर, बारापट्टी, चौक, माफी, ये सभी भरैया में। इसके अलावा खौरीराम में कसिहार, धौसा, टिगरा खुर्द, जगन्नाथपुर, पालीपार, बसुढ़िया इत्यादि ग्राम पंचायतों में चूंकि 2/3 सदस्य चुन करके नहीं आए इसीलिए ये प्रधान अभी तुरंत शपथ नहीं ले पाएंगे। जब उपचुनाव में इन सभी ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा उसके बाद चुनाव होने के बाद तब जब ग्राम पंचायत का गठन होगा उसके बाद ये प्रधान शपथ ले सकते हैं।